गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बुक में प्रैक्टिस के लिए आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। वैसे भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था कि आप इस कोरोना के विकराल रूप में बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझदारी से अपने आप को रहन सहन में ढाले, अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। समय खराब और अच्छे आते रहते हैं, खराब समय भी धैर्य के साथ कट जाएगा। तो आज जो टॉपिक हमने चुना है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। एक बात और मैं करना चाहता हूँ कि मैं गूगल क्लासरूम पे लिखूँगा जो बात मैं बोल रहा हूँ, कि अगर आपको जेसी उपाध्याय वाली बुक में जो आपने पीछे क्वेश्चंस करे होंगे, हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, हो सकता है जेपी अग्रवाल में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आप उसमें गूगल क्लासरूम में कमेंट्स में लिखेंगे उत्तर में, तो मैं बुक के हिसाब से उन क्वेश्चंस को भी करवा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, एक चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज हैंगिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल सच दैट इट्स वन फिफ्थ पार्ट इज हैंगिंग एट वन एज, द वर्क डन इन पुलिंग अप द हैंगिंग पार्ट इज। इसके चार ऑप्शन हैं। मैं इस क्वेश्चन को लिख के पढ़ के दिखा चुका हूँ। अब मैं इसको एक फिगर बना के यहीं पे समझाना चाहता हूँ। एक चेन है, एक लेंथ एल है, उसकी मास एम है। एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ आपके सामने। एक चेन है, उसका चेन है, ये टेबल है, ये टेबल है, टेबल नीचे जमीन में होगी, उसका वन फिफ्थ पार्ट या पांचवा हिस्सा नीचे की ओर लटक रहा है। अगर उसका मास टोटल एम है, लेंथ एल है, तो जो हैंगिंग मास है उसका मास कितना होगा, एल बाई मास ऑफ एल बाई फाइव लेंथ। ये सब लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे कि ये एम बाई फाइव मास होगा। पहले सिचुएशन सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं हम कि एक टेबल पे एक किनारे पे उसका पांचवा हिस्सा लटक रहा है, चार बटे पांच हिस्सा वहाँ टेबल के ऊपर है, उससे हमें लेना देना नहीं, सिर्फ लटक रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये जो लटकने वाला पोर्शन है वन फिफ्थ, इसको अगर ऊपर उठाया जाएगा, अगर ये ऊपर उठाया जाएगा तो इसमें वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हमको चाहिए। अब आप अच्छे से जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है MgH, MgH, और M कितना है, M बाई फाइव, क्योंकि सिर्फ वन फिफ्थ पोर्शन इस टेबल से लटक रहा है, इसका मतलब है मास का पांचवा हिस्सा यानी m बाई फाइव भी लटक रहा है, और इस m बाई मास को ही, m बाई फाइव मास को ही हमें ऊपर खींचना है। अब m बाई फाइव मास कहाँ होगा, ये देखिए कि ये जो लेंथ है वो l बाई फाइव है, ठीक है। सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास है, वो कहाँ होगा, इसके बीचों बीच होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है चेन, ये मैं बताना भूल गया, यूनिफॉर्म चेन है, तो इसकी जो ऊंचाई है जिसको ऊपर चढ़ना है, ये m बाई फाइव मास या m बाई फाइव द्रव्यमान कितनी ऊंचाई उठाना है, l बाई फाइव तो है, l बाई फाइव का आधा करोगे तो l बाई टेन, l बाई फाइव बाई टू, क्योंकि टोटल लेंथ l बाई फाइव है, बीच निकालोगे तो L बाई फाइव का आधा यहाँ पर पड़ता है L बाई टेन,
तो अब सिंपल सी वर्क डन जो होगा m बाई फाइव, एच की जगह पे आप l बाई टेन रख देंगे, तो एम जी एल बाई फिफ्टी है। बहुत सिंपल सा सम है, देखने में किसी किसी को कठिन लग सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत सरल है कि एक टेबल पे चेन लटक रही है, एक बटे पाँचवा हिस्सा, एक बटे पाँचवें हिस्से का मास भी m बाई फाइव हो जाएगा, इसको ऊपर खींचना है। ऊपर खींचने का मतलब है एम जी एच, मास m बाई फाइव को कितनी ऊंचाई पे खींचना है ऊपर, l बाई टेन ऊंचाई पे तक खींचना है, क्योंकि l बाई फाइव लटक रहा है, सेंटर ऑफ मास l बाई टेन गहराई में है, ऊंचाई में है, जो भी आप मानते हैं, इतना ऊंचा हमको उठाना है। तो इसमें जो ऑप्शन है, क्वेश्चन आपने समझ लिया, उठाना है कितना, उसमें कार्य करना पड़ेगा, कितना वर्क डन निकलेगा। एम जी एल बाई फाइव दे दिया, एम जी एल बाई टेन दे दिया, एम जी एल बाई फिफ्टी दे दिया, एम जी एल बाई हंड्रेड। तो एम जी एल बाई फिफ्टी हमारी कैलकुलेशन से एम जी एच, एच की जगह एल बाई टेन, एम की जगह एम बाई फाइव, मास को पूरा एम बाई फाइव खींचना है। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन आपको समझा दिया है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से संबंधित है, वर्क डन भी पूछ सकता था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ सकता था। तो आप कुछ भी लिखा जाए आप एक ही टाइप से आंसर करेंगे, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से आप अच्छे से जानते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमने कुछ डिफरेंट टाइप का लिया है, ये ध्यान रखें कि ये एक पहले चित्र देख लीजिए, इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर एम मास रखा है, यहाँ नीचे एक स्प्रिंग लगी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब ये मास यहाँ पे इस पे फिसलते हुए नीचे की ओर आएगा, फ्रिक्शनलेस टेबल है, और इससे टकराएगा, इस टकराने में स्प्रिंग कंप्रेस होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए ब्लॉक ऑफ मास एम, ये जो रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, स्लिप्स डाउन फ्रॉम हाइट एच ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, स्लिप करता है एच ऊंचाई से, ये जो ऊंचाई है उसकी एच है, एच ऊंचाई पर रखा था, आना कहाँ है, नीचे आना है। एंड इट्स इज प्रेसेस इस स्प्रिंग लाइंग एट द बॉटम, इसके किनारे पे एक स्प्रिंग है, इसको प्रेस करेगा, हुज स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, द कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज, ये कितना कंप्रेस होगा ये हमें निकालना है। तो इसके लिए आप जानते हो कि जब ये कंप्रेस होगा तो ये इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा वो हाफ की एक्स स्क्वायर होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा अगर इतना होता है तो। दूसरी तरफ ये एच हाइट तक नीचे आना है तो वो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, तो ये एम जी एच होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा है, तो एम जी एच। तो एक्स पूछा जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एम जी एच अपॉन के, तो एक्स चाहिए, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट टू एम जी एच बाई के। बहुत सरल तरीके से आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को लगाया, ऊपर से ब्लॉक फिसलते हुए आया फ्रिक्शनलेस या घर्षण रहित नत समतल पे, इंक्लाइंड प्लेन पे, ये नीचे बॉटम पे, ये थोड़ा सा बड़ा करके बनाया गया है, आप कंफ्यूज ना हो, उसको पूरी हाइट एच तक ही हमें नीचे गिराना है। तो एच हाइट पे गिरने से एनर्जी में जो लॉस हुआ एम जी एच, यही एनर्जी इस स्प्रिंग को मिलेगी, अगर एक्स से वो कंप्रेस होता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, हमने हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच किया, इससे एक्स की वैल्यू अंडर रूट टू एम जी एच बाई के हो गई है। तो इसमें देखिए जो आंसर गिविन है, ये जो हमारी कितना कंप्रेस हुआ है एक्स की वैल्यू के लिए, अंडर रूट एम जी एच बाई के है, दूसरे में टू एम जी एच बाई के है, यही आंसर है। वैसे तो अंडर रूट के बाई एम जी एच या के बाई टू एम जी एच भी हैं, तो आप समझ लीजिए कि कैसे आप पोटेंशियल एनर्जी
अगर दोनों जानते हैं तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को लगा के आप ऐसे प्रश्न को भी समझ सकते हैं। मैंने चूंकि क्लास में इस ढंग से इस लेवल पे नहीं टच किया, वही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करे हैं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी कर लें। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एक प्लानेट है, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। द वेलोसिटी ऑफ ए प्लानेट इन एन ऑर्बिट इज रिलेटेड टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। माने एक प्लानेट सन के अराउंड, ये प्लानेट है, ये सन है, इसकी जो वेलोसिटी है इसकी डिस्टेंस आर से कैसे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप ये मान लें कि आप जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाएंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, आप हमने प्लैनेट्स पढ़ाए हैं, आपने सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति बताया था प्लैनेट्स का मोशन सन के अराउंड, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है। मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम है वो होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एम वी इंटू आर। तो ये जो है हमने ये कहा कि एम वी आर इसका कॉन्स्टेंट रहेगा। एक सरल सी बात पे ये प्रश्न बना हुआ है कि जब भी प्लानेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि उसका एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है एम वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंगुलर मोमेंटम हो गया पी इंटू आर, सेफने एम वी इंटू आर, अगर इसका मास एम है, वी वेलोसिटी है, ये आर है तो एम वी आर। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस या नन ऑफ दीज। डज नॉट डिपेंड का मतलब हुआ कि इसकी हर जगह वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहती है। अब ये चाहता है द वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट, माने वी उसकी डिस्टेंस से कैसे संबंधित है, वी प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर, एम तो कॉन्स्टेंट रहेगा। सिर्फ इतनी सी बात पे क्वेश्चन बना हुआ है, वी प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर, कितना सिंपल सा है। तो पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट इन एन ऑर्बिट इज रिलेटेड टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। डिस्टेंस फ्रॉम द सन हमने आर ले लिया है, वी और आर के बीच में क्या संबंध है, एम वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी वी प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इस तरीके से हमने तीसरा क्वेश्चन समझ लिया है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हमने सममिक्सिंग करी है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि कभी क्लास में डिस्कस नहीं हो पाए उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है मैंने। विच ऑफ दी, नेक्स्ट वाला बहुत सिंपल सा, ज्यादा सिंपल हमने दे दिया, विच ऑफ दी न्यूटन्स लॉ इज इनवर्सली इन्वॉल्व इन दी रॉकेट प्रोपल्शन। माने रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है, रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसमें न्यूटन का कौन सा नियम लगता है। हो सकता है हम ये बताने में मुझे लगता है चूक गए हैं, क्योंकि हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहा था। हालांकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें बस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका आंसर जो बेस्ट है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फोर को समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। फाइव क्वेश्चन नंबर में ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी। ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, ये चार ग्राफ बने हैं। हमने एक्स एक्सिस पे एक्स ही दिखाया गया है, यानी एक्स की, एक्स माने दूरी के चेंज होने पे ये पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा दिखाई है। X और U का कर्व B में ऐसा दिखाया गया है, C में ऐसा दिखाया गया है, D में ऐसा दिखाया गया है।
अब आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो हाफ के एक्स स्क्वायर पढ़ा है। अब देखिए यू में एक घात या वन पावर है और एक्स में दो घात है, यानी वन पावर एंड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें पैराबोला आएगा, पैराबोला ना तो ये है और ना ये है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है। ये आप जानते हो कि एक्स इक्वल टू जीरो पे सिंपल हार्मोनिक मोशन भी सेंट्रल फोर्स होता है, जो शून्य की अवस्था में पोटेंशियल एनर्जी शून्य होती है, यहाँ पे मैक्सिमम है, उल्टा दिखाया गया है। तो ये वाला सही है, सी वाला, इसको आपने वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा है, लेकिन आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी देखेंगे कि इस तरीके का सी जैसा कर्व आता है। यू एक्स कर्व कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, यू एक्स कर्व। आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। मैंने ये सी तरीके से जो सरलतम क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो आपके प्रैक्टिस में शायद नहीं आ पाए होंगे, इसलिए हमने इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आपके सामने रखा है। मैं लास्ट क्वेश्चन एक और आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा है, बस इतने ही डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद हम चाहेंगे कि आप जब जो आपकी डिमांड होगी इन क्वेश्चंस का वीडियो बनाएंगे। पढ़ते हैं, ए रॉड ऑफ लेंथ एल, ए रॉड ऑफ लेंथ एल, लेंथ एल is rotating with angular velocity omega। बस इतनी सी बात, साथ में सीखते भी जाइए कि एक रॉड जिसकी लंबाई l है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। कैसे घूम रही है, अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस, अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्व, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस का मतलब ये एक्सिस हो गई। अगर रॉड होगी तो रॉड इस तरीके से होती है, इसकी लंबाई एल है। अब आगे पढ़ते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई या घूर्णन अक्ष हो गई। ए रॉड ऑफ लेंथ इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी स्पीड ओमेगा अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सीजी इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन, अब आप देखिए सीजी से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, माने इस तरीके से रॉड, ये रॉड है, ये लेंथ एल है, अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सीजी इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका प्लेन तो हॉरिजॉन्टल है रॉड का, या देख ही रहे हैं, इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड इज ए, माने जो रॉड है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं करे। एंड इट्स डेंसिटी इज डी, जो इसका मटेरियल है उसकी डेंसिटी डी है, डेंसिटी माने घनत्व डी है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये चाहते हैं क्या, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम। मैं ऑप्शन तो बाद में लिख दूंगा, आप पहले समझ लीजिए, एंगुलर मोमेंटम चाहिए। एंगुलर मोमेंटम हमने बताया था जे होता है जो आई ओमेगा के बराबर होता है। अब आप रॉड का मास एम ले लीजिए, गिवन है या नहीं है, गिवन है या नहीं है, नहीं गिवेन है। अगर हम मास एम मान लें तो ये ए लेंथ इनटू एरिया हो जाएगा, ये तो हो गया वॉल्यूम यानी आयतन,
इसको घनत्व या डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये मास हो जाएगा। चूंकि आंसर लेंथ एरिया और डेंसिटी के रूप में है इसलिए मैंने इसको लिखा लेंथ एरिया, बस क्वेश्चन में ही घुमा हुआ है, सीधे आई ओमेगा ना लिख के इसने एल ए डी करके ये लिखा। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का होता है आप अच्छे से जानते हैं I इक्वल टू होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12 एक्सिस के अबाउट, आपने पढ़ा है एलईडी, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डेरिवेशन करके बताया था। अब एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ओमेगा, और m की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए a l d इंटू एल, ये तो मास हो गया, इंटू एल स्क्वायर ओमेगा बाई 12। तो अब ये a l क्यूब ओमेगा d अपॉन 12, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं इसके ऑप्शन जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, 23 इसके आंसर गलत लिखे हुए हैं, एक सही लिखा हुआ है, तो सही वाला आप इस तरीके से उसमें सर्च कर सकते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर रहे हैं, वीडियो बड़ा होना ठीक नहीं है। मैं आगे की अपनी स्टडी के बारे में पहले तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखेंगे और उसके बाद हम गूगल क्लासरूम पे इनवाइट करेंगे कि आप उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे, उसी हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। आज की बात मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप किसी भी तरीके से किसी भी मुसीबत में ना फंसे और आप बहुत अच्छे से कोरोना से बचाव भी करते रहें। थैंक यू वेरी मच।